हे गाइस, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं राजस्थान की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है फॉरेस्ट गार्ड की। आप लोग को आवेदन करना होगा तो इसी पेज से आप लोग ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। दो प्रकार की वैकेंसियां जारी की गई हैं, वन विभाग और वन पाल की, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की वैकेंसी जारी की गई हैं। यहाँ पर 10वीं और 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए। ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई होगा और ये फॉर्म आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे एंड क्या क्या डिटेल्स है, सारे इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपकी जो डाउट है वो क्लियर होगी। एंड गाइस, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले गाइस जानते हैं इस फॉर्म के पूरे डिटेल के बारे में। ये फॉर्म आपकी कैसे अप्लाई होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले जानते हैं इस फॉर्म के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये आपकी वैकेंसी जारी की गई है। एंड गाइस, इसमें आपको दो प्रकार की पोस्टें मिल जाएगी। पहला जो आपको पोस्ट मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड, इसमें आपको टोटल 1041 पोस्ट जारी की गई हैं और फॉरेस्टर में आपको 87 पोस्ट मिल जाएगा। टोटल आपको 1128 पोस्ट जारी की गई हैं। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। यहाँ पे आपको TSP और नॉन TSP एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में जो आपका नॉन TSP एरिया और TSP एरिया के लिए हम बात करें, जनरल कैंडिडेट के लिए 401 पोस्ट मिलेगा नॉन TSP एरिया में और TSP एरिया में 62 पोस्ट मिलेगी। अदर यहाँ पे दोस्तों, तीन यहाँ पे कैटेगरी में पोस्ट कोई भी नहीं जारी की गई है, EWS, OBC, EBC में। एंड इसमें नॉन TSP एरिया में तो यहाँ पे आपकी पोस्ट जो है वो मेंशन की गई है। सो गाइस, एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, TSP एरिया और नॉन TSP एरिया एंड फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड में कितना कितना पोस्ट है। फॉर्म सबमिट करिएगा तो आप लोग जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पे आवेदन को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट के बारे में। एप्लीकेशन आपकी अप्लाई होना जो स्टार्ट होगा 8 दिसंबर से ये फॉर्म अप्लाई होगा और आपका जनवरी तक ये वैकेंसी अप्लाई होगा, जो कि 7 जनवरी 2020 तक ये आपकी वैकेंसी अप्लाई होगी, सॉरी 21 तक ये वैकेंसी अप्लाई होगी। ओके, एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड दोनों अभी तक नहीं जारी की गई है डेट। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन जो फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए ₹450 फी पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑनलाइन ये फी पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे OBC जो NCL है यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे जो आपकी फ़ी रखी गई है वो ₹350 आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और SC ST के लिए ₹250 फ़ी जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है नाम से लेके या अदर किसी भी डिटेल से संबंधित या आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स गलत हो जाता है, उसको आपको सुधारने के लिए फिर से आपको ₹300 फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी जो पेमेंट करने की आपको यहाँ पर मैथड मिलेगी, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा आप फ़ी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में जो मेंशन की गई है, दो प्रकार की पोस्टें जारी की गई हैं फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की, जिसमें दोनों में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके पास ओनली 10th की क्वालिफिकेशन मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया के द्वारा, और फॉरेस्टर के लिए यदि फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस आवेदन को सबमिट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी एज मांगी गई है, सबसे पहले आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से आप सभी कैंडिडेट का यहाँ पे एज काउंट होगा यानी कि गिनती होगा, जिसमें आपकी एज 18 वर्ष कम से कम एज रखी गई है और 40 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एज आपकी मांगी गई है। आपकी एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा यानी कि एज में छूट भी दी जाएगी उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे SC ST कैटेगरी में आएंगे और OBC कैटेगरी में आएंगे। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी एंड SC ST के लिए 5 साल की एज में आपको छूट मिल जाएगी। बात करेंगे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन मोड, यानी कि ये फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से। ऑफिशियल पेज मैंने यहाँ पे देखिए ओपन किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस ऑप्शन पर लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करना है। कैसे फॉरगेट किया जाएगा पासवर्ड या यूज़र आईडी नेम, ये सब डिटेल्स भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और आवेदन
कैसे अप्लाई करना है ये भी डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट ये वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। राजस्थान की ये वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट ये भर्ती अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करेंगे, ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट ये फॉर्म करेंगे सबमिट। एंड यहाँ पे जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको राजस्थान जयपुर में ये वैकेंसी जो है आपको जॉब करनी पड़ेगी। चलिए बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल डिटेल्स, हाइट क्या रखी गई है, आपको गोला कितना फेंकना है, चेस्ट क्या मांगा गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे गाइस बात करेंगे सबसे पहले हाइट के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट यहाँ पे मांगी गई है 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। उसी प्रकार यहाँ पे फीमेल के लिए ओनली 150 सेंटीमीटर हाइट आपकी मांगी गई है। एंड यहाँ पे चेस्ट के बारे में बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए 84 से 89 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रखी गई है, फीमेल के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट मांगी गई है। उसी प्रकार यहाँ पे सिट अप्स ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये नहीं होगा फिजिकल। यहाँ पे ओनली सिट अप्स जो लगानी पड़ेगी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, 25 रिपीट आपको लगानी है एक मिनट में, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो जो आपकी फेंका होगा वो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 55 मीटर की ये आपको बॉल थ्रो करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए ये नहीं है प्रोसीड। यहाँ पे आपको ये इन्होंने गलत लिखा है, 1.35 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, 1.35 मीटर आपको ये जो लॉन्ग जंप है वो उछाल आपको लगानी पड़ेगी। एंड उसके बाद गोला जो फेक है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए 4.5 मीटर, ये आपकी गोला फेक है। चलिए बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आपकी यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका होगा सिलेक्शन। ओके, फॉर्म को सबमिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन कौन से दस्तावेज मांगी जाती हैं आपको ये फॉर्म सबमिट करने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आपकी फ़ोटो चाहिए जो कि लाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आप 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट देंगे। आप यदि 10वीं के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो 10वीं का क्वालिफिकेशन देंगे, यदि आप 12वीं के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो 12वीं का आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, आप पैन कार्ड या आईडी प्रूफ में आधार कार्ड कोई भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद खुद का पूरा अपना डिटेल्स देना है एंड आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करने के लिए कुछ डिटेल्स जो है वो मेंशन की गई हैं, आप यदि इसे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करने की प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को फॉलो करिए और डायरेक्ट इस पेज पर आइए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप क्या हैं और किसके माध्यम से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप उद्योग हैं या आप सिटीजन हैं। तो यहाँ पे आपको सिटीजन को सिलेक्ट कर लेना है। सिटीजन को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लॉगिन किसके माध्यम से करना चाहते हैं, फेसबुक के द्वारा या गूगल आईडी के द्वारा या आप यहां पे आधार कार्ड के द्वारा या एक ऑप्शन होता है भामसा, ठीक है, आप इसके द्वारा, इन चारों में से किसी एक के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। सबसे बेस्ट है आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, या आप चाहे तो जिससे भी लॉगिन होना चाहते हैं हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको अपना सारा डिटेल्स फिलअप करना है एंड देन फिलअप करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे यूज़र आईडी यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड एंट्री करना पड़ेगा एंड यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आपको पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, ठीक है। जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तब आपको कई सारी ऑप्शन मिलेंगी
और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, वहाँ पे आपको क्लिक करके आवेदन को सेलेक्ट करके फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने में ज़्यादा प्रोसीजर है और आपको वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, एंड अभी जो है लिंक एक्टिवेट नहीं है तो वो जो ऑप्शन है शो नहीं होगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आप लोग ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि राजस्थान की जो वैकेंसियां होती हैं वो फॉर्म सबमिट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे आप लोग कंप्लीट फॉर्म सबमिट करेंगे। 8 तारीख का वेट करिए। यदि आप फॉरगेट करना चाहते हैं अपना यूज़र नेम या पासवर्ड तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो पहले से बना चुका है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड गाइस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।